माई चैनल। आई एम टीचिंग यू चैप्टर सॉलिड स्टेट्स फ्रॉम द स्टार्टिंग एंड हम पूरा सिलेबस भी कवर करेंगे स्टूडेंट्स। तो 11th एंड 12th का सारा सिलेबस साथ साथ चल रहा है एंड आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी स्टूडेंट्स को बहुत ही कंफ्यूजिंग लगती है क्योंकि उनको नहीं समझ में आ रहा होता है कि क्या चल रहा है, कहाँ पे बैंड्स बन रहे हैं, कौन सी जगह पे कंडक्शन बैंड है, कौन सा वैलेंस बैंड है। तो उन सारी चीजों को आज हम क्लियर करने वाले हैं, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग प्रतिष्ठा बैच जो है हमारा प्रतिष्ठा बैच की क्लास नंबर 12 करने वाले हैं, 12th क्लास है एंड सॉलिड स्टेट जो चैप्टर चल रहा है स्टूडेंट्स सॉलिड स्टेट इसके भी आज क्लास नंबर 12 है। इससे पहले 11 क्लासेस में बना चुकी हूँ। आप लोग प्रतिष्ठा बैच क्लास 12 नाम से जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर जाकर के देख सकते हैं, आपको सारे के सारे जो लेक्चर्स हैं वो मिल जाएंगे। एंड मैं एक चीज का कोशिश कर रही हूँ कि सभी जो एक चैप्टर के क्लासेस होंगी उन सबका थंबनेल एक जैसा रखा जाए एंड उसमें मैं आपको पार्ट मेंशन कर देती हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह से, तो आपको कोई भी लेक्चर ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होगी। राइट स्टूडेंट्स, तो ये चीज मैं ध्यान रख रही हूँ एंड जिस नेक्स्ट चैप्टर करेंगे तो उसका थंबनेल थोड़ा चेंज कर दिया जाएगा सो दैट आप उस चैप्टर के थंबनेल को पहचान सको कि इस चैप्टर के आपके क्लासेस हैं। तो आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी तो बच्चों इसमें बहुत ही सिंपल है, वैसे समझने वाली ज्यादा चीजें हैं नहीं। एक्चुअली होता क्या है, जो एटम्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, स्पेशली मेटल्स की बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि आप जानते हो मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट कंडक्टर्स आर ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, बैंड थ्योरी में सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर्स, ये जो आपके एलिमेंट्स, ये जो आपके सब्सटेंसेस हैं स्टूडेंट्स, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स, इनकी कंडक्टिविटी जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उसकी वैल्यूज डिफरेंट होती हैं, जिसके बेसिस पे हम लोग पता लगाते हैं कि ये पर्टिकुलर सब्सटेंस अच्छा कंडक्टिविटी करता है या नहीं, क्या ये इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कंडक्ट कर पाएगा या नहीं, उसके हिसाब से हम डिफरेंट अप्लायंसेज में, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में यूज करते हैं इनको हम उसके हिसाब से। किसी को बल्ब में यूज करते हैं, किसी को हीटर में यूज करते हैं, किसी को रेफ्रिजरेटर में यूज करते हैं, किसी को फ्यूज में यूज करते हैं, तो ये उसकी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, कंडक्टिविटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास इनकी कंडक्टिविटीज है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, उसकी मैं वैल्यू लिख रही हूँ। बच्चों कंडक्टर के लिए वैल्यू होती है 10^4 से लेकर के 10^7 ओम इनवर्स एंड मीटर इनवर्स। ये वैल्यू जो है जनरली शो की जाती है, कंडक्टर्स इसको शो करते हैं। ये वैल्यू किस चीज की है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो आप समझ सकते हैं कि कंडक्टर्स की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो वैल्यू काफी हाई है, काफी अच्छी है। इसका मतलब कंडक्टर्स होते हैं ऐसे सब्सटेंसेस, और इसके एग्जाम्पल भी आप जानते हो, मेटल्स हैं जनरली इसके एग्जाम्पल। एग्जाम्पल कौन से हैं इसके, मेटल्स। ठीक है, तो अच्छे अच्छे मेटल्स, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है, गोल्ड कह सकते हो, इनको आप लोग यूज करते हैं एज कंडक्टर्स, एल्यूमिनियम हो गया एटसेट्रा। तो ये दीज आर कंडक्टर्स, इनकी कंडक्टिविटी वैल्यू काफी हाई है। सेकेंड हम चलते हैं इंसुलेटर पे। तो स्टूडेंट इंसुलेटर्स जो होते हैं उनकी कंडक्टिविटी वैल्यू बहुत ही कम होती है। उनकी वैल्यू जो है उसकी रेंज कितनी होगी स्टूडेंट्स, 10^-20 से लेकर के 10^-10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, इतनी वैल्यू जो है इंसुलेटर्स शो करते हैं। तो इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वैल्यू काफी कम है। इसके एग्जांपल्स कौन से होंगे बच्चों, इसके एग्जांपल होंगे वुड, प्लास्टिक, ग्लास एटसेट्रा, ये सारी चीजें आप जानते हो, रबड़ हो गया, ये सारी चीजें आप लोग जानते हो, ये सारी चीजें क्या है आपकी इंसुलेटर्स की कैटेगरी में आती है। नेक्स्ट हम चलते हैं सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स टॉपिक जो है वो काफी ज्यादा डिस्कशन में रहता है। सेमीकंडक्टर्स पर्टिकुलर कंडीशन में ही ज्यादा कंडक्टिविटी शो करते हैं एंड सेमीकंडक्टर्स के लिए बच्चों क्या है, इनकी कंडक्टिविटी है जनरली मीडियम रहेगी, इन दोनों के बीच की वैल्यू इनकी रहती है। तो क्या वैल्यू है स्टूडेंट्स इसकी, इसकी वैल्यू रहती है 10^-6 से लेकर के 10^4, इतनी वैल्यू ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, इतनी वैल्यू जो है सेमीकंडक्टर्स शो करते हैं। तो ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वैल्यू हो गई सेमीकंडक्टर्स की।
नाउ वी आर डिस्कसिंग द एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल जनरली स्टूडेंट्स इसके सिलिकन एंड जर्मेनियम होते हैं जिसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे. तो स्टूडेंट्स जहां हम बात कर रहे हैं कंडक्टर्स की, तो कंडक्टर दो तरीके के होते हैं. कंडक्टर जो है उनको हम टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं. कंडक्टर्स कौन से? मेटालिक कंडक्टर एंड दूसरे कौन से कंडक्टर है बच्चों? दूसरे हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर. ठीक है बच्चों, मेटालिक कंडक्टर वो होता है जो मेटल ही होता है एंड उसमें जो उसके वायर्स वगैरह हैं, जो हम उस फॉर्म में इसका करंट इसमें फ्लो करवा के यूज करते हैं. स्पेशली जो हमारे घर में इलेक्ट्रिक कनेक्शंस होते हैं तो वो मेटालिक कंडक्टर्स ही होते हैं. आर मेटालिक कंडक्टर्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज मॉल्टन स्टेट. मेटल को अगर हम सॉलिड स्टेट में रखें तब भी वो कंडक्टिविटी शो करेगा एंड अगर उसको हम मेल्ट कर दें, मोल्टन स्टेट में ला दें, तो भी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है. तो कंडक्टर्स कैन कंडक्ट विदाउट डिसइंटीग्रेशन. ये खराब भी नहीं होते हैं. अगर जो वायर्स हैं जो सालों से आपके घरों में कनेक्शंस हो रखे हैं उनके अंदर जो वायर्स हैं वो सालों से कंडक्टिविटी कर रही हैं एंड वो खराब नहीं होती हैं. दे आर नॉट डिसइंटीग्रेटेड और दे आर नॉट डिकम्पोज्ड बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. उसकी वजह से वो खराब नहीं होते हैं. तो कंडक्टर्स जो मेटालिक कंडक्टर्स हैं बच्चों उनमें क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है. ठीक है, तभी करंट फ्लो करता है. एंड इनमें क्या होता है, ये सॉलिड के साथ साथ मोल्टन कंडीशन में भी कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को एंड विदाउट डिकम्पोजिंग ये खराब भी नहीं होते हैं. ठीक है बच्चों, तो ये जो कंडीशंस हैं वो रहती है मेटालिक कंडक्टर्स के साथ. नेक्स्ट है हमारा टॉपिक इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स. तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स जो होते हैं वो जनरली सॉल्ट्स के सॉल्यूशंस होते हैं. एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के सॉल्यूशंस होते हैं. वो कंडक्टर इसीलिए माने जाते हैं बिकॉज दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन एंड एक्वस स्टेट. एक्वस मतलब पानी में डिजोल्व करने के बाद, या फिर मोल्टन स्टेट में ही कंडक्ट करते हैं. बट ये यहाँ पे जो कंडक्शन होता है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से नहीं होता, फ्लो ऑफ आयन से होता है. ठीक है, एंड काफी टाइम के बाद में ये डिकम्पोज भी हो जाते हैं, खराब भी हो जाते हैं. इनका जो एक पर्टिकुलर लाइफ होता है उसी में ये काम करते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ बहुत सारे रीजंस होते हैं कि चार्ज एक्युमुलेशन हो गया या फिर मूवमेंट ऑफ चार्ज जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बचा जिसकी वजह से चार्जेस का मूवमेंट नहीं हो रहा. ये सारी चीजें जो है फैक्टर्स यहाँ पे अफेक्ट करते हैं इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन. एंड स्टूडेंट्स ये कंडक्ट कैसे करते हैं? मोल्टन स्टेट में एंड एक्वस स्टेट में. ठीक है, तो लिख लेते हैं इनके बारे में. एसिड बेस एंड सॉल्ट इनके एक्वस एंड मोल्टन सॉल्यूशंस कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी. एंड क्यों करते हैं? बिकॉज ऑफ आयंस. ये रीजन है इनका कंडक्शन करने का. तो ये दो तरह के हमारे कंडक्टर्स हो चुके हैं जिनको हमने ब्रीफली एक बार डिस्कस कर लिया है. आगे चलते हैं, अब हम बैंड थ्योरी पे आते हैं. तो बच्चों बैंड थ्योरी में जैसा कि आप समझ रहे हो बैंड्स की बात हो रही है. तो ये बैंड्स कहाँ बनते हैं? मैं एक एग्जांपल आपको लिथियम का दूंगी और दूसरा एग्जांपल आपको बेरिलियम का दूंगी. तो स्टूडेंट्स लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है? हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3 है. बेरिलियम का क्या है? 4 है. हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम. ठीक है, 4 हो गया. इनका हम लिख लेते हैं इनकी कॉन्फिगरेशन लिख लेते हैं हम लोग. 1s2, 2s1. यहां क्या होगी? तो स्टूडेंट्स यहां पे देखिए हमारे पास जो शेल है वो फर्स्ट शेल एंड सेकंड शेल दो है लिथियम में. एंड बेरिलियम में भी दो शेल्स हैं. और बेरिलियम में क्या होता है, थोड़ी ज्यादा कंडक्टिविटी होती है एज कंपेयर टू लिथियम. तो जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन्स लाई करता है, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स की रहने की टेंडेंसी या प्रोबेबिलिटी कहते हैं वो सबसे ज्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल्स में होती है. तो उसको अगर आप देखें एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. एंड इसी सेट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को क्या कहा जाता है? इन्हीं को बैंड्स कहा जाता है. मैं यहां लिख देती हूं. इलेक्ट्रॉन्स आर
एक मिनट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो आप जानते हो, एंड एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। जब भी ये कंबाइन करते हैं बॉन्डिंग होती है वहां पे स्टूडेंट्स, ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म करते हैं, वहीं पे मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं। एंड द सेट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, द सेट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इज नोन एज बैंड। उसी को बैंड कहा जाता है, यही बैंड्स होते हैं, इनको कलेक्टिवली बैंड कहा जाता है। अगर मैं बात करती हूँ लिथियम की, तो स्टूडेंट्स लिथियम में यहाँ पे जो हमारे पास s ऑर्बिटल है, अगर मैं कहूँ कि उसका जो बैंड बनेगा वो कुछ इस तरह से बनता है, इस तरह से दिखाया जाता है, एंड जो इसमें ऊपर वाला है वो एम्प्टी होता है। ठीक है, ये है एम्प्टी बैंड और ये होता है फिल्ड बैंड। एंड स्टूडेंट्स होता क्या है, यहाँ पे जो फिल्ड बैंड है इसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एम्प्टी बैंड के पास इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, बट ये होते बहुत पास पास हैं। ठीक है, तो इसमें जो कंडक्शन है, कंडक्शन पॉसिबल है, कंडक्टर ये होता है, बट इन केस ऑफ जब हम बेरिलियम करेंगे तो वहां पे ओवरलैपिंग ऑफ द बैंड्स हो रहा होता है। किसका? वहां पे 2s और 2p का ओवरलैपिंग जो है वो हो रहा होता है, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी ज्यादा हो जाती है। एंड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे दो होते हैं सेकंड शेल के अंदर, यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से यहाँ पे कंडक्टिविटी थोड़ी कम है। ठीक है बच्चों, तो जो नीचे वाला बैंड होता है उसको हम लोग कहते हैं कंडक्शन बैंड। तो नीचे वाला जो बैंड होता है स्टूडेंट्स उसको कहा जाता है वैलेंस बैंड, ऊपर वाले को कहा जाता है कंडक्शन बैंड। ये है कंडक्शन बैंड और नीचे वाला है यहाँ पे स्टूडेंट्स वैलेंस बैंड। इनकी जो है ओवरलैपिंग अगर हो जाए या फिर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करके जा सके, ठीक है, तो उसकी वजह से कंडक्टिविटी होती है। तो ये तो हमने केस कौन सा पढ़ लिया है स्टूडेंट्स, ये तो हमने पढ़ लिया है लिथियम का केस, ठीक है, जिसके अंदर कंडक्टिविटी है क्योंकि दोनों बैंड्स जो है वो काफी पास पास हैं, कंडक्टिविटी प्रेजेंट है। ठीक है, एंड लास्ट वी आर कमिंग टू बेरिलियम केस। बच्चों बेरिलियम के केस में क्या है, यहाँ पे बेरिलियम के केस में होता क्या है, बेरिलियम के केस में यहाँ पे 2p और 2s, ठीक है, अगर मैं कहूं कि बैंड जो है अगर हम उसको इस तरह बनाते हैं तो जो 2p ऑर्बिटल होता है और जो 2s होता है, मान लीजिए ये 2p है और ये 2s है, ठीक है, तो इसके बैंड्स में क्या होती है, ओवरलैपिंग जो है वो देखी जाती है। मैं इस तरह से इसको ड्रॉ कर रही हूं, ठीक है, तो इनमें क्या होती है, ओवरलैपिंग देखी जाती है। ओवरलैपिंग की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इजीली मूव कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स अगर इजीली मूव कर सकते हैं तो जिसकी वजह से वो कंडक्ट करना स्टार्ट कर देता है इलेक्ट्रिसिटी को। तो बेरिलियम में ज्यादा कंडक्टिविटी होती है एज कंपेयर टू लिथियम। तो ये कौन सा बैंड हो गया, ऊपर वाला कंडक्शन बैंड हो गया और ये वाला कौन सा बैंड हो गया, ये वाला बैलेंस बैंड हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं एक आपको जनरल कंपेरिजन दिखा देती हूँ कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर का। कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, तो इनके जो बैंड्स हैं बच्चों किस तरह से ओवरलैप रहेंगे उनको आप ध्यान से देखें। कंडक्टर्स में क्या होता है कि जो बैंड्स होते हैं वो जस्ट दे आर इन कॉन्टेक्ट ऑफ ईच अदर, ठीक है, इस तरह से रहेंगे। सेमीकंडक्टर्स में वो थोड़े थोड़े दूर होते हैं, एंड इन इंसुलेटर्स दे आर वेरी फार अपार्ट, द बैंड्स आर वेरी फार अपार्ट, उनका गैप जो है वो काफी ज्यादा होता है।
अब कंडक्टर्स में क्या है, यहाँ पे जो है जनरली ओवरलैपिंग भी होने के चांसेस रहते हैं, ओवरलैपिंग भी हो सकती है, जिसकी वजह से जो है वो इलेक्ट्रॉन्स और जो नीचे वाले बैंड्स होते हैं वैलेंस बैंड, वो जनरली फिल्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस बैंड। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये कैसे होते हैं, फिल्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनको फिल्ड माना जाता है। ठीक है, फिल्ड होते हैं ये, और ऊपर वाले क्या है, एम्प्टी कंडक्शन बैंड। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी एम्प्टी कंडक्शन बैंड। अब यहां पे इनके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, बट अगर कंडक्शन करना है तो इनका ओवरलैपिंग जरूरी है, ताकि इलेक्ट्रॉन्स एक लेवल से, एक बैंड से दूसरे बैंड में जा सके। ठीक है, तो होता क्या है, यहाँ पे इनकी ओवरलैपिंग पॉसिबल है, इसको मैं थोड़ा डार्क शो कर देती हूँ ताकि पता लगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है बच्चों, अब होता क्या है, सेमीकंडक्टर्स किस कंडीशन में बाइंड कर जाते हैं, किस कंडीशन में ओवरलैप कर जाते हैं, उसकी बात करते हैं बच्चों। जीरो केल्विन या उससे नीचे वाले टेम्परेचर पर जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, मैंने एग्जाम्पल बताया आपको सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, वो ओवरलैप नहीं कर पाते हैं, ओवरलैप नहीं कर पाते हैं तो वो कंडक्ट नहीं करते हैं। बट ये नोटिस किया गया कि आफ्टर जीरो केल्विन जब टेम्परेचर बढ़ा दिया गया तो वहां कंडक्टिविटी इंक्रीज हो गई। द रीजन वॉज कि वहां पे दोनों बैंड जो है वो ओवरलैप करना स्टार्ट कर देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन्स की जंपिंग जो है वो इजी हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो मैं इसको आपको लिखवा देती हूँ। सेमीकंडक्टर्स के केस में सिलिकॉन एंड जर्मेनियम बिलो जीरो केल्विन दे आर इंसुलेटर्स बट दे बिकम कंडक्टिंग आफ्टर या अबव जीरो केल्विन टेम्परेचर। क्यों ऐसा हो जाता है, क्योंकि उसके बाद इनकी ओवरलैपिंग स्टार्ट हो जाती है बच्चों। ठीक है, जिसकी वजह से ये कंडक्ट करना शुरू कर देते हैं। कंडक्टर्स में तो दे आर ऑलरेडी ओवरलैपिंग, एंड इंसुलेटर्स में ये ओवरलैप करते ही नहीं है, कितना ही टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए। तो इसकी वजह से इंसुलेटर्स की कंडक्टिविटी बहुत लो होती है, वैल्यू क्या होती है मैंने आपको करा दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे एक चीज मुझे और करानी है आपको, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, उनका मैं डेफिनेशन आपको या डिफरेंस जो है बता देती हूँ। देखो जो मैं शुरुआत करती हूँ आपसे ये बताने के लिए कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है ऑन द कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर। क्वेश्चन इज व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कंडक्टर्स, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है स्टूडेंट्स, कंडक्टर्स। तो स्टूडेंट्स, अभी कुछ लोग जो है वो जाग जाएंगे एंड मेरे कमेंट बॉक्स में क्या आके लिखेंगे, मैम ये सिलेबस में तो है ही नहीं, है ना, काफी बच्चे लिखने वाले हैं मैम ये सिलेबस में है ही नहीं इस बार जो आप पढ़ा रहे हो। तो बता देती हूँ मैं आप लोगों को बच्चों, सीबीएसई में नहीं है ये टॉपिक, सीबीएसई में आपके जो बोर्ड एग्जाम होंगे उसमें से ये टॉपिक, जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना जो सिलेबस रिड्यूस हुआ था उसमें से इस टॉपिक को डिलीट कर दिया गया था, बट आईटी जेई में, नीट में ये टॉपिक स्टिल देयर है, वहां पे ये टॉपिक है, अभी भी आपको पढ़ना है। तो इसमें से क्वेश्चन किसी भी पॉइंट से आपको क्वेश्चन बन सकता है, यू नेवर नो, आपको ये चीजें तो पढ़नी ही है। ठीक है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो किसी भी टॉपिक को। ठीक है बच्चों, तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर्स, आप खुद सोचिए बच्चों, कंडक्टर अगर कोई है वो ऑलरेडी कंडक्ट कर रहा है, उसपे अगर टेम्परेचर राइज कर दिया जाए, टेम्परेचर का जो लेवल है वो बढ़ा दिया जाए, उससे क्या होगा। जनरली होता ये है कि टेम्परेचर बढ़ाने से पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। आप भी यही सोचोगे मैम काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, तो टेम्परेचर राइज करने से जब मूवमेंट बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएगा, तो करंट भी बढ़ेगा, कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी, बट ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ, यहाँ पर इंक्रीजिंग टेम्परेचर लिख लो बच्चों, इंक्रीजिंग लिख लीजिए इसको, क्योंकि हम इंक्रीजिंग की बात कर रहे हैं। तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है,
ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द कंडक्टिविटी ऑफ, किसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस, सेमीकंडक्टर की बढ़ जाती है, क्यों, क्योंकि ये ओवरलैपिंग बढ़ जाती है, बट कंडक्टर्स की नहीं बढ़ती है। अब ये चीज लिख रहे हैं, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस, सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ मोर इजी ओवरलैपिंग ऑफ बैंड्स। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक। बट यहां पे क्या बात है, हम बात कर रहे हैं कंडक्टर्स की, कंडक्टर का इंक्रीज नहीं होता, बट द कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर डिक्रीजेस, द कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर डिक्रीजेस, क्यों कम हो जाती है, डिक्रीजेस बिकॉज, क्यों कम होती है बच्चों, क्यों कम होती है, जस्ट बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी फ्लो कर रहे होते हैं, जो ऑलरेडी ओवरलैप है बैंड्स उनमें जा रहे होते हैं, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से उनके जो कैर्नल्स हैं एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी मूव कर रहे हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनका फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है। तो द कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर डिक्रीजेस बिकॉज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर देयर कर्नल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग एंड हेंस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हिंडर्ड, मतलब उसमें रुकावट पैदा हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड लास्ट इसमें मैं करा देती हूँ आपको, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक कंडक्टर्स क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर्स। तो सेमीकंडक्टर्स के दो टाइप हैं, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। सेमीकंडक्टर्स आर ऑफ टू टाइप्स, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। दोनों में डिफरेंस क्या है बच्चों, सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक उसको कहा जाता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम को कहा जाता है, जिनमें अगर कंडक्टिविटी नहीं है, क्योंकि अगर ओवरलैपिंग नहीं हो रही है तो वो कंडक्टर नहीं होते, बट उनको सेमीकंडक्टर को कंडक्टर बनाने के लिए हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, 0 केल्विन से हमने उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वो क्या हो गए, कंडक्टर हो गए। तो हमने उन्हीं कंडक्टर पे हाई टेम्परेचर लगाया जिसकी वजह से क्या हो गया, वो कंडक्टर बन गया, तो उसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। मतलब जो है, जो बात करनी थी वो घर घर में ही प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई, टेम्परेचर राइज करा और वो कंडक्टर बन गया। ठीक है, होता है ना कई बार ऐसे, घर में घर के मेंबर्स में लड़ाई हो जाती है तो वो घर में ही सॉल्व हो जाती है, ऐसे थोड़ी है उसके लिए हम कोर्ट में केस करते हैं, भैया हमें जो है हमारे घर में लड़ाई हो गई है सॉल्व करवाइए, पुलिस को थोड़ी फोन करते हैं। तो जब घर घर के लोगों की बात हो जाती है तो घर में ही सॉर्ट आउट हो जाती है, तो इसलिए इसको कहा गया है इंट्रिंसिक। मान लीजिए सेमीकंडक्टर्स कंडक्टिविटी शो नहीं कर रहे थे, टेम्परेचर राइज करा, बैंड्स जो है ओवरलैप कर गए तो वो अच्छे खासे कंडक्टर बन गए, बट इतना कंडक्टर वो बन गए, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट शुरू हो गया, पर कंडक्टिविटी की वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं होती है, जो करंट फ्लो कर रहा है वो बहुत ही कम होता है, उसकी वजह से किसी काम का नहीं रहता है करंट। अब क्या होगा इससे, अभी जो हुआ है करंट यहाँ पे डेवलप हुआ है वो किसी काम का नहीं है, यूज करने लायक नहीं है, तो क्या फायदा। तो साइंटिस्ट ने सोचा चलो डोपिंग करवा देते हैं। डोपिंग हम कैसे करवाते हैं, मैं पिछले क्लास में आपको डिफेक्ट्स में पढ़ा चुकी हूँ डोपिंग कैसे करवाई जाती है। तो बच्चों जब डोपिंग करवाई जाती है ना, तो वहां पे हम ऐड करते हैं क्या, वहां पे हम ऐड करते हैं क्या, हम लोग इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं। कैसी इम्प्योरिटीज, या तो इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज होती है या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटीज होती है। इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज का मतलब है कि आपने ऐसी इम्प्योरिटीज ऐड करना शुरू किया है जो जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन है और वो कंडक्टिविटी बढ़ाए, जैसे 15 ग्रुप की इम्प्योरिटीज। एंड दूसरा एग्जांपल है,
अगर हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटीज डालते हैं लाइक 13 ग्रुप के इम्प्योरिटीज, तो वहां पे भी इसी तरह का डोपिंग इफेक्ट होता है। और सेमीकंडक्टर हमारे यहाँ दो तरह के बनते हैं, एन टाइप एंड पी टाइप। ठीक है बच्चों, तो इसमें लिख देते हैं हम लोग इंट्रिंसिक में बात हमें क्या बोलनी थी कि सिलिकॉन एंड जर्मेनियम जो है उनमें कंडक्टिविटी इंक्रीज करी जाती है, दे आर इंसुलेटर्स बिलो 0 केल्विन, तो क्या कर दिया जाता है इंक्रीज टेम्परेचर और ये क्या बन जाते हैं बिकम कंडक्टिंग, कंडक्टिंग हो जाते हैं। बट यहां पे क्या है कंडक्टिविटी बहुत कम है जो किसी काम की नहीं है, कंडक्टिविटी वेरी लेस। तो हम क्या करते हैं फिर डोपिंग करना स्टार्ट करते हैं, तो बनाते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, जो इसको मैं पढ़ा चुकी हूं ऑलरेडी आपको, डोपिंग कहते हैं इसको, ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगी, वहां पढ़ाया था कि एन टाइप कब बनता है पी टाइप कब बनता है। तो डोपिंग में अगर हम सिलिकॉन जर्मेनियम के साथ में जो खुद 14 ग्रुप का है एलिमेंट, उसके साथ में अगर हम लोग ऐड कर देते हैं 15 ग्रुप के इम्प्योरिटीज, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज, इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज, तो क्या बन जाता है बच्चों एन टाइप या पी टाइप, जल्दी बताओ सोच करके। और अगर हम सिलिकॉन एंड जर्मेनियम को जो 14 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उसको हम 13 ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ मिक्स करवा देते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटीज के साथ, तो कौन सी इम्प्योरिटी बन जाती है जल्दी बताइए बच्चों। जहां पे इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज डाली है वहां बनता है एन टाइप, और जहां इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटीज डाली है वहां बन जाता है पी टाइप। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाता है हमारा एक्सट्रिंसिक कंडक्टर्स। इसका मतलब कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए हमने कुछ बाहर की चीजों को इन्वॉल्व किया, मतलब घर का झगड़ा सॉर्ट आउट करवाने के लिए हमने बाहर के लोगों को बुलाया है कि भैया हमारे घर में झगड़ा हो चुका है और उसको सॉल्व करवाओ, मतलब हमारे सेमीकंडक्टर्स किसी काम के नहीं है, उनकी कंडक्टिविटी कैसे इंक्रीज करवाई जाए। तो उसमें फिर बाहर के एलिमेंट्स 15 ग्रुप के 13 ग्रुप के एलिमेंट्स की जो इम्प्योरिटीज हैं वो ऐड करवाई जाती हैं, जिसकी वजह से एन टाइप या पी टाइप जो है सेमीकंडक्टर्स बन जाते हैं। और क्या बन जाता है हमारा, हमारा बन जाता है यहाँ पे सेमीकंडक्टर जो ज्यादा कंडक्टिविटी शो करता है एज कम्पेयर टू इंट्रिंसिक। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है, एक बहुत छोटा सा टॉपिक बचा है। मैं कोशिश कर रही हूँ चैप्टर जल्दी जल्दी कंप्लीट करने के लिए, बट अगर किसी टॉपिक को उठा लो तो फिर 40-50 मिनट की तो क्लास बनी जाती है, राइट। तो वो छोटा सा टॉपिक है, कमेंट बॉक्स में लिख देना मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पढ़ानी है या नहीं पढ़ानी है। फिर हम चलेंगे सॉल्यूशन चैप्टर पे, तो कल से हम सॉल्यूशन चैप्टर की क्लासेस को शुरू करेंगे। अगर बच्चे लिख देते हैं कि मैम वो भी पढ़ा दो तो मैं पढ़ा दूंगी, अदरवाइज हम फिर सेकेंड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। समझ में आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना, समझाना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.